ऊंची प्रतिमा का इनॉग्रेशन करने भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को इनॉग्रेट किया। सरदार पटेल जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना जिसे प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना ने एक मूर्ति इस प्रतिमा को बनाने के लिए देश भर से लोहा इकट्ठा किया गया ताकि उचित श्रद्धांजलि दी जा सके भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से करीब दुगनी, क्राइस्ट द रिडीमर की ऊंचाई से करीब 5 गुना ऊंची, यहां तक कि ये चाइना के स्प्रिंग टेंपल बुद्धा से भी 29 मीटर ज्यादा ऊंची है। वो प्रतिमा जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया और ये स्थापित है पश्चिम भारत के एक सुदूर इलाके में। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मैं फिनलैंड से आया हूं। हम हैदराबाद से आए। मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूं। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आया हूं। I am from Odisha और ये स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात राज्य में बनाई गई है, नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर जिसे साधु बेट कहा जाता है। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के एक महान नेता के लिए श्रद्धांजलि है जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। कई लोगों के अनुसार उन्हीं के दृढ़ संकल्प ने भारतवर्ष का गठन किया। सन 1928 से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी के बाद शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक तरह से वो कांग्रेस के मुख्य आधार थे। उनके लिए देश हमेशा सर्वप्रथम था। गांधी जी एक महात्मा, नेहरू एक राजनेता और पटेल एक महान नेता या सरदार, ये वो त्रिमूर्ति थी जिन्होंने देश को स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया और स्वतंत्रता दिलवाई भी। जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है वो गुमाना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल एक बहुत ही सशक्त टीम थी। आपसी मतभेद के बावजूद उन सबका एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्र भारत। हमारा देश मुसीबत से गुजर रहा है। मैं हर नागरिक से अपील करता हूं कि हमारी मुसीबतों को हल करने में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। हमारे बीच एकता और शक्ति का होना जरूरी है। भारत की स्वतंत्रता से एक साल पहले यानी सन 1946 तक सैकड़ों देशी रियासतों को एक देश में जोड़ने का प्रयास शुरू हो चुका था। अंतरिम गृह मंत्री के नाते सरदार पटेल ने देश भर का दौरा किया, कश्मीर से जोधपुर, हैदराबाद से जूनागढ़, ताकि राजाओं और नवाबों को भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए मना सके। त्रावणकोर स्वतंत्र होना चाहता था। भोपाल, हैदराबाद राजी नहीं थे। कश्मीर दुविधा में था। राजस्थान के कुछ बड़े राज्य दुविधा में थे। गृह मंत्री होने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके साथ विनम्रता से लेकिन उतनी ही सख्ती के साथ बात की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो सभी एक एक करके शामिल हो जाएं। अगर भारत के नक्शे का कोई निर्माता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। भारत 400 या 500 देशों में बंट चुका होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते, इसलिए एकता शब्द को उनके नाम के साथ जोड़ा जाना बेहद जरूरी है। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने बरसों तक देसी रियासतों को समझाने की कोशिश की, कुछ को राज भत्ता और सरकारी ओहदा देने का यकीन दिलवाकर तो दूसरों को सख्त चेतावनी देकर। एक स्वतंत्र देश की रचना में उनकी अहम भूमिका के लिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी समझा जाता है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस उपयुक्त नाम की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब का एक भव्य स्मारक बनाने का सपना संजोया है। इस तरह के विराट स्तर के प्रोजेक्ट की योजना बनाने में बरसों लगने वाले थे, जिसमें कला, वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग का समावेश हो। सन 2011 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की स्थापना हुई ताकि इस कल्पना को सच्चाई का रूप दिया जा सके और उसके निर्माण में काबिल आदमियों को ढूंढा जा सके। लेकिन पहले प्रतिमा की सही जगह का चुनाव करना जरूरी था। सरदार पटेल की जन्मभूमि गुजरात में हमने साधु बेट नाम के एक आइलैंड को चुना। ये उस डैम के नजदीक है जिसका नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है और ये डैम गुजरात की लाइफलाइन है, यानी इस स्टैचू के लिए ये परफेक्ट जगह थी। आज गुजरात में 182 निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर इसी संख्या को दर्शाती है। इसमें वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है जो पूरे गुजरात में फैली हुई है और क्योंकि इसकी अपनी एक संख्या है, शायद ये संख्या अपने आप में बहुत स्पष्ट है। 2015 तक योजना तैयार हो चुकी थी। 182 मीटर एक 61 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने वाली थी। प्रतिमा के कांसे के आगे के निचले भाग में एक इमारत होगी। इसके आधार पर प्रतिमा के पैरों के नीचे प्रवेश द्वार, म्यूजियम और लिफ्ट बनेंगे। दर्शकों के लिए 135 मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी बनेगी जहां से सरदार सरोवर डैम और आसपास की पहाड़ियों का बेहतरीन नजारा देखा जा सकता है। एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसे पूरा करने में सिर्फ 42 महीनों का समय है। भारत की सबसे जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को एक ग्लोबल टेंडर के जरिए प्रतिमा बनाने का काम मिला, लेकिन अब उनके सामने बेमिसाल चुनौतियां थीं और वक्त हाथ से निकला जा रहा था। चुनौतियां सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं थीं, ये कला की एक ऐतिहासिक रचना बनने वाली थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मूर्तिकार रामबांजी सुतार को प्रतिमा तराशने का जिम्मा सौंपा गया। दुनिया में दो आदमी की जरूरत होती है, एक कल्पना करने वाला और वो प्रैक्टिकली काम करने वाला। तो कल्पना की है मोदी जी ने और हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। योजना की समय सीमा अक्टूबर 31, 2018, सरदार पटेल की 143वीं जन्म वर्षगांठ। जमीन तैयार करने और नींव रखने में करीब 12 महीनों का समय लगेगा। इसके बाद बीच वाले अहम कॉलम को बनाने में 11 से 15 महीने लगेंगे। आखिरी 9 से 12 महीने कांसे के अगले हिस्से को जोड़ने और सुधारने में लगेंगे। चुनौती बहुत बड़ी है, इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया गया। एक्सपर्ट्स ने टापू का जियोलॉजिकल सर्वे शुरू कर दिया। उन्हें पता लगाना है कि नीचे की चट्टान ढांचे का 78,900 मेट्रिक टन वजन सह सकती है या नहीं। काम पूरा करने का समय 33 महीने। नींव रखने के लिए टापू को सपाट बनाने का काम शुरू किया गया। 1,500 मजदूरों ने 4,488 क्यूबिक मीटर नींव रखने के लिए करीब एक हफ्ते तक दिन रात कड़ी मेहनत की। ये आकार एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से बड़ा और गहरा है। एक खास किस्म के सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मिक्स का इस्तेमाल किया गया जो आम सीमेंट मिक्स से ज्यादा तेजी से सेट होता है।
काम का पहला अहम हिस्सा पूरा हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत भर थी और समय सीमा को बदला नहीं जा सकता। क्या ये टीम काम को समय पर पूरा कर पाएगी? भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है। इसे बनाने में 18,500 मैट्रिक टन मजबूत स्टील इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए एक मिशन की शुरुआत हुई। देश भर के किसानों से लोहा जमा किया गया। ये राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक था और योगदान भी। भारत के 1,69,078 गांवों के किसानों से करीब 135 मैट्रिक टन औजार जमा किए गए। कंक्रीट को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उन औजारों को पिघलाकर स्टील की छड़ें बनाई गईं। को समझने में कई दिन लगा दिए ताकि उनका चेहरा और उनके हाव भाव सही उभर कर आए। चलने के ही मतलब ही इज गोइंग अहेड, सामने देख रहा, जा रहा है। और सबसे अच्छा एक्सप्रेशन, एक पावरफुल थिंकिंग मूड, आंखें खुली रख के सब कुछ काम करने वाला। पद्म भूषण विजेता राम सुतार को सरदार पटेल की मूर्ति के 3 मॉडल बनाने में करीब 1 साल लग गया। हर मॉडल दूसरे से बड़ा और ज्यादा विस्तृत था। सबसे छोटा 3 फुट ऊंचा और सबसे बड़ा 30 फुट ऊंचा। नेचर में जो प्रोपोर्शन होता है, जितना चेहरा होता है, छाती कितनी होना चाहिए, पैर कितना होना चाहिए, उसी हिसाब से ही मूर्ति बनाई जाती है। फोटो से हमें पता चलता है कैसे आंखें होगी, कितना डेप्थ होगा, नाक कितना ऊंचा होगा, ये फोटो से पता लगता है। इस कलाकार ने अपने 70 साल के कार्यकाल में सैकड़ों मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक अनोखी चुनौती थी। लंबाई चौड़ाई के अलावा ये योजना बड़ी ही मुश्किल थी, क्योंकि इस प्रतिमा को एक इमारत की तरह बनाना था। प्रतिमा स्थल पर इंजीनियरिंग टीम सुतार के डिजाइन को देखकर चौंक गई। जिस मुद्रा को चुना गया उसमें सरदार पटेल का एक कदम आगे की ओर था। उनके पैरों के बीच 12 फुट का फासला था, जिसकी वजह से ढांचा बनाना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। जब दुनिया भर की ऊंची प्रतिमाओं को देखा जाता है, तब इंजीनियरों को ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि उनका आधार काफी चौड़ा होता है। लेकिन इस मामले में पैरों को अलग अलग दिखाना था, और इतना ही नहीं, वो अपनी धोती को थोड़ा ऊपर पहनते थे। ये एक चुनौती थी। आमतौर पर ऊंची प्रतिमाओं पर स्कर्ट या पोशाक होती है, जो चौड़े आधार को कलात्मक ढंग से छिपा देती है और ढांचे को मजबूत पकड़ मिलती है। लेकिन राम सुतार के डिजाइन में ये मुमकिन नहीं था। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसका एक हल ढूंढ निकाला। एक चौड़े आधार की जगह 2 अलग अलग कॉलम बनाए जाएं, जो प्रतिमा के पैर बनेंगे और ढांचे को सहारा भी देंगे। समय सीमा 24 महीने। बीच वाले अहम हिस्से को बनाने का काम शुरू हुआ। ढांचे की ऊंचाई और वजन को सहारा देने के लिए अंदरूनी मूल को पूरी तरह ज्यादा मजबूत कंक्रीट सीमेंट से बनाया जाना था, जिसकी दीवारें 5 फुट से ज्यादा मोटी थीं। इसका मजबूत होना जरूरी था ताकि ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा और बड़े भूकंप को झेल सके।
हाथियों की प्रतिमा साइस्मिक जोन 3 पर बनी है, जहां भूकंप के हल्के फुल्के झटके कभी भी आ सकते हैं। मजबूत पकड़ बनाने के लिए ढांचे के अंदर ट्यून्ड मास डैम्पर्स नाम की एक खास चीज को बनाना जरूरी था, जो डोलन के साथ साथ आंधी और भूकंप के असर को कम करती है। इस बीच गांधीनगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एक 30 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, ताकि राम सुतार के डिजाइन और रचना के बारे में लोगों की राय ली जा सके। लोगों के साथ इस पर डिटेल डिस्कशन हुआ, कपड़े किस तरह के होंगे, चप्पल किस तरह की होंगी, धोती पहनने का स्टाइल क्या होगा, शॉल किस तरह से पहनाई जाएगी, यानी सारी बातों पर बड़ी बारीकी से चर्चा हुई। लोगों की एकमत राय के मुताबिक राम सुतार और टीम ने स्टैच्यू की आकृति और डिजाइन को अंतिम स्वरूप दिया। अगला चरण था कांसे के अगले हिस्से को सांचे में ढालना, जिसमें मजबूत कंक्रीट और स्टील का ढांचा भरा जाएगा। कांसे का ये अगला हिस्सा ढांचे को उसका मूर्तिनुमा आखिरी आकार देगा। कांसा बनता है तांबा, टिन और जिंक को मिलाकर, और ये एक बेहद टिकाव धातु है। कांसे की ढलाई बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है, और इस काम को एक ढलाई खाने यानी कि एक फाउंड्री में किया जाता है। लेकिन क्या इतनी बड़ी प्रतिमा को बनाने के लिए इतना बड़ा ढलाई खाना था? हमने देश भर में सर्वे किया। भारत में करीब 1100 फाउंड्रीज हैं जहां कास्टिंग का काम होता है। लेकिन जहां तक क्वालिटी की बात है, टाइम फ्रेम की बात है और वॉल्यूम का सवाल है, वो भारत में मिलना लगभग असंभव था। इसलिए हम फाउंड्रीज की खोज में निकल पड़े। हम चाइना गए। चाइना ने राम सुतार के स्टूडियो में अपनी एक स्पेशल टीम भेजी। 30 फुट के स्टैच्यू को मापने के बाद उसे डिजिटल रूप से स्कैन किया गया। सरदार पटेल के चेहरे और पोशाक की हर तह की जानकारी को 3D कैमरे में कैद किया गया। अगली मंजिल दक्षिण पूर्व चाइना। जियांगशी टोंगचिंग मेटल हैंडीक्राफ्ट्स कंपनी कलात्मक ढलाई में दुनिया भर में मशहूर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कांसे के अगले भाग का सांचा यही बना था। राम सुतार की रचना की स्कैन्ड कॉपीज को बड़ा किया गया और एक एक टुकड़े को जोड़कर पूरे आकार का सांचा बनाया गया। जांच करने और हर बारीकी पर नजर रखने के लिए कलाकार राम सुतार वहीं मौजूद थे। वहाँ जाके कुछ चेंज ना हो, वो अपना तरीके से कुछ चेंज ना करे, जैसे हम कुछ हमारा टेक्चर है तो वो एकदम स्मूथ कर देंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारा देखने के लिए हम बीच बीच में जाते थे। इस प्रतिमा के कांसे के बाहरी हिस्से को 6,659 अलग अलग सांचों से बनाना था। बनाने के बाद उन्हें गुजरात में स्थापना वाले दिन एक बहुत बड़ी पहेली के अलग अलग हिस्सों की तरह जोड़ना था। समय सीमा 10 महीने। कंस्ट्रक्शन कंपनी LNT के कांस वाले यार्ड में जबरदस्त हलचल है। स्पेशल लो बेड ट्रेलर कांसे के चट्टान नुमा पैनल्स को ले जा रहे हैं। सबसे पहले सरदार पटेल की धोती के 12 टन वाले पैनल को क्रेन की मदद से ऊपर ले जाया गया। टुकड़े दर टुकड़े जोड़कर प्रतिमा को तैयार किया गया, उसी तरह जिस तरह 1945 के बाद संयुक्त भारत को तैयार किया गया था। समय 10 दिन। ये काम बहुत ही सटीक और कड़ी मेहनत का है। 4,000 लोगों ने दिन रात कड़ी मशक्कत की। देश के कोने कोने से एक्सपर्ट, इंजीनियर, क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर और मजदूर आए, और सबने मिलकर भारत की एकता की प्रतीक इस गगनचुंबी प्रतिमा में प्राण फूंक दिए।
31 अक्टूबर 2018 सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जन्म वर्षगांठ। गुजरात के छोटे से टापू साधु बेट पर इतिहास रचा जाने वाला है। ये वो दिन है जब दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत देश को समर्पित की जाने वाली है। कांसे के सांचे में ढला हुआ 21वीं सदी का महापुरुष राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक है, एक मॉडर्न मार्वल जो उस महान इंसान का सम्मान करता है जिसने भारत को एक करने में अहम भूमिका निभाई। ये हर उस इंसान के लिए गौरव का दिन है जिसने इस सपने को साकार किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी। 5 साल का डिजाइनिंग प्रोसेस और 5 साल तक लगातार इस प्रतिमा पर कड़ी मेहनत के बाद हमारा सपना साकार हुआ। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आज हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने कर दिखाया। हमने जो हासिल किया है ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी जीत है जिस पर हमें फख्र होगा। इसे संभालना होगा, रक्षा करनी होगी आने वाली जनरेशन के लिए। वक्त के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की उम्र बढ़ेगी और ये अपना रूप बदलेगी, लेकिन दुनिया के नक्शे पर भारत की छवि मजबूत और कायम रहेगी। ये हमारे अतुल्य भारत के सिर पर अनोखा ताज है। यहाँ हर रोज भारत और विदेशों से 10,000 से ज्यादा सैलानी आते हैं। यहाँ आने के बाद रियली ऐसा प्राउड हो रहा है कि जिस देश में सरदार पटेल बॉर्न हुए थे उसी देश का नागरिक मैं भी हूँ। फिनलैंड में कई टूरिस्ट साइट्स हैं, लेकिन इस तरह का एक भी नहीं। उनके पैरों के पास हम बिल्कुल चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे। बहुत बढ़िया नजारा था। ये एक निशानी है कि यूनाइटेड इंडिया हमेशा रहेगा, वो कभी बटेगा नहीं। आज हर कोई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से भारत को जानता है, और यही सच है। कुछ लोग यहाँ इस रिकॉर्ड बनाने वाले अजूबे को देखने आते हैं, और कुछ कला और इंजीनियरिंग के मेल को देखने आते हैं जो अपने आप में एक चमत्कार है। तल मंजिल पर एक म्यूजियम है, एक लिफ्ट है जो दर्शकों को 135 मीटर ऊपर गैलरी तक ले जाती है, और शानदार साउंड एंड लाइट शोज जो सरदार पटेल की जिंदगी और उनकी संघर्ष की कहानी सुनाते हैं।